नंबरिंग किधर से करेंगे? ठीक है, मेरा तो जल्दी सब प्रिंट करवा ना, उसके बाद पांचवे पे भी तुम्हारा है, चौथे पे भी है, और ये तुम्हारा पहले पे क्या है, क्लोरीन पहले भी इसको लिख लेंगे, क्लोरीन को सीआर का क्या लिखेंगे, वन टू डैश, ठीक है, क्या लिखेंगे, 4.5, ठीक है, डैश डाइन की फाइल, और क्या हो जाएगा, एक्सेंट हो जाएगा क्या, और इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉन्ग एक्सटेंड, ठीक है, और नंबरिंग की वजह से हो जाएगा ये 1, 2, 3, 4 और ये हो जाएगा 5, ठीक है, ये क्या लिखेंगे हम लोग, 1.2 डाइन प्योरो पेंटेन, समझ में आ गया, इसका लॉन्ग एक्सटेंड कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, अब ये लो या ये लो दोनों एक ही है, क्योंकि तो इस वाले से दो इधर दिए और इस वाले से दो इधर दिए, जो भी आप लेना चाहते हो ले सकते हो, ठीक है, चाहो तो ये वाला भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, अब यदि हम इस सीधे वाले को ले रहे हैं तो फिर क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा इधर साइड से और ये वाला साइड से आ जाएगा, नंबर की तरफ से होगा इधर से राइट कर लेना, दोनों तरफ से तीसरे का हम कहीं ब्रांच आ रहा, तो फिर कौन सा रूल इस्तेमाल करेंगे, प्रीफिक्स रूल, याद आया, समझ में आ रहा है, प्रीफिक्स रूल के इस्तेमाल से फिर हम लोग किसके तरफ से करेंगे, राइट के लिए मिथाइल या इथाइल, मिथाइल यानी किधर से होगा, फाइव से होगा, ठीक है, ये आपका होगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6, नाम क्या लिखेंगे हम लोग, 3-methyl, ठीक है, डैश 4-methyl, और क्या हो जाएगा, हेक्सेन, ठीक है, ये हो जाएगा, आगे लिखिए नेम ऑफ ईथर,
इधर को भी हम लोग क्या करते हैं प्रिफिक्स करा देते हैं ना, पता है ना उस वैसे पास वाले ग्रुप के पास इसका नाम हम लोग कैसे लिखते हैं प्रिफिक्स के तरह, ठीक है पर्सनल ग्रुप ऐसे तो लिखते हैं हम लोग सफिक्स, लेकिन कुछ वैसे भी है लिखेंगे नेमिंग ऑफ पीपल, ठीक है नेमिंग ऑफ पीपल वैसे भी पर्सनल ग्रुप हम लोग आए थे जो कि प्रिफिक्स के तौर पे उसका नाम हम लोग लिखते हैं ना कि सफिक्स के तौर पे, मैक्सिमम जो है वो फंक्शनल ग्रुप हम लोग सफिक्स लिखते हैं नाम उसका, लेकिन कुछ वैसे भी हैं जो कि प्रिफिक्स के उसका नाम लिखते हैं, उसी में एक है ईथर। क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे नेमिंग ऑफ ईथर, और ये क्या होता है डैश ओ डैश, ये आपका देखने को मिलता है, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं डैश ओ आर, ठीक है दोनों साइड आर लिख सकते हैं, ठीक है आर ओ आर लिख सकते हैं, मतलब दोनों तरफ आपका क्या है कार्बन का ग्रुप है, ठीक है हाइड्रोकार्बन लगा हुआ, समझ में आया क्या हम बोल रहे हैं, तो ये आपका आ गया। और आई सी सी उसका लिखते हैं सल्फोस एल्केन, अच्छा CH, ठीक है और ये आ जाए O CH3
अब इसका नाम क्या लिखेंगे, दो तरफ ऑर्गेनिक ऑक्सी, दो ऑर्गेनिक ऑक्सी, तो क्या लिखेंगे नाम, डायनिक डायनिक ऑक्सी, और नंबरिंग भी करेंगे। तो नंबरिंग किधर से होगा आपके, इनका किधर से होगा, ये होगा वन कार्बन और ये होगा टू कार्बन, होगा ना, वाल उधर लगा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या नाम लिखेंगे, वन कॉमा वन डायनिक ऑक्सी, ठीक है, और इनके क्लियर है, समझ में आ रहा है। उसी तरीके से अगला एग्जाम्पल यदि हम लें, ठीक है, सी एच थ्री सी एच टू ओ पी एच सी एच थ्री और ये रहा सी एच थ्री। चलिए बताइए कौन सा हो जाएगा लॉन्गेस्ट चेन, पैरेंट चेन किसको देंगे, ये वाला ये इधर वाला लेफ्ट वाला, ठीक है, ये देखिए ये है लॉन्गेस्ट होगा ना लॉन्गेस्ट चेन। अब नंबरिंग फिर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा टू और ये हो जाएगा थ्री, समझ में आया। ये वाला जो पूरा ग्रुप है दैट इज कॉल्ड क्या कहा जाएगा इस बार, इथॉक्सी, समझ में आया, इसका ये क्या कहा जाएगा, इथॉक्सी, इज दैट क्लियर, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला पार्ट हम लोग लिख रहे हैं क्या, एल्कोक्सी, और इधर वाला पार्ट आपका क्या जा रहा है, अल्केन, और लॉन्गेस्ट चेन या पैरेंट चेन अल्केन के लिए, और जो बचा हुआ है वो क्या लिख रहे हैं हम, एल्कोक्सी, इसके लिए नाम क्या हो जाएगा, इथॉक्सी, और कितने पे, दूसरे पे क्या हो जाएगा, टू इथॉक्सी, ठीक है, टू इथॉक्सी और वो प्रोपेन, तीन कार्बन, ठीक है, तीन कार्बन, वो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, ठीक। उसी तरीके से यदि नेक्स्ट हम लोग लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, वो क्या है, सी एच थ्री सी एच टू डैश फोर सी एच थ्री, और ये हो जाएगा सी एच टू डैश फोर सी एच थ्री, पैरेंट चेन कौन सा होगा, कौन सा होगा पैरेंट चेन, ये होगा, होगा ना, नंबरिंग क्या करेंगे, ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा टू, नाम क्या लिखेंगे, वन कॉमा टू डाइमिथॉक्सी, होगा, और टू कार्बन का क्या हो जाएगा, इथेन, समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है। अल्केन वाले पार्ट का आपको खोजना है किससे लगा होगा, लॉन्गेस्ट आपका कौन है, और फिर उसके बाद आपका जो है उस हिसाब से हम कर देंगे। जो कंफ्यूजन है क्या, मैं तो बताया और एग्जांपल देके समझ में आएगा। जैसे कि क्या है यहाँ पे CH3, ये रहा CH2, ये रहा O, ठीक है, और ये रहा C, ये रहा CH3, ये रहा CH3, और ये रहा CH3। अब बताओ लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा, पैरेंट चेन कौन सा होगा, ये होगा या ऊपर वाला होगा, कौन सा होगा, पकड़ होगा ना, ठीक है, वो ऑक्सीजन से जुड़ा भी हुआ, तो ये हो जाएगा पैरेंट चेन। नंबरिंग फिर उसी का होगा, वन टू और थ्री, ये हो जाएगा ना, अच्छा, ये तो दूसरे पे ये तुम्हारा एक ऑक्सी भी है, और दूसरे पे ये तुम्हारा क्या है, मिथाइल भी है, बोलो बात समझ में आया। तो ऑक्सी इसका नाम क्या लिखोगे बताओ, पहले डी आता है या एम आता है, डी, तो क्या लिखेंगे, टू इथॉक्सी, टू इथॉक्सी डैश, क्या लिखेंगे, टू मिथाइल, और उसके कारण में क्या होगा, प्रोपेन, समझ गए ना, ठीक है। और एग्जांपल देखो, अब पहले जो सीखे उसको प्रोमिस भी क्या होते हैं, जैसे कि बीआर टू एच सी एच टू सी एच टू सी एच टू ओ सी एच टू और ये रहा सी एच थ्री, ठीक है। अब बताइए इसका नाम क्या होगा, लॉन्गेस्ट चेन कौन लेंगे, पैरेंट चेन, चेन नजर आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, नंबरिंग कहां से करेंगे, अब देखो ये भी वन आ रहा है, समझ लो जरा सा, यदि हम ऐसे जाएंगे तो वन इधर से पहले जा रहा है, दूसरा तीसरा पे ये पूरा पार्ट आ रहा है ना, ठीक है, आगे यदि हम ऐसे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, वन टू थ्री, यानी पहले और तीसरे पे, और इधर से भी पहले और तीसरे पे, और यदि ऐसा कंडीशन आ जा रहा है तो फिर हम कौन सा रूल इस्तेमाल करेंगे, प्रीफिक्स रूल, यस, और प्रीफिक्स रूल में हम क्या
नंबर कौन सा सही होगा? रेड वाला। समझ आया? नंबर कौन सा सही होगा? ये रेड वाला। एक नंबर गलत हो गया। तो नाम इसका हम क्या लिखेंगे? वन प्रोमो, ठीक है? हैज थ्री डिफॉक्सी, ठीक है? और तीन कार्बन का प्रोमीन, ठीक है? आगे देखेंगे। अब आप कुछ बनाइए। मिक्स करके देने हैं आप, ठीक है? बनाना है। Yeah.
तीसरे पे दो भी पॉसिबल रहा, हम आप क्या लिखेंगे, वन ऑफ लोगो है ना, डेड ग्रीन और ग्रीन डाइड इपॉक्सी, ठीक है, और चार नाम के लिए म्यूटेंट, ठीक है। अगला नाम ये वाला आ गया आपका पेरेंट चेन, नंबरिंग की तरफ से राइट से लेफ्ट, नंबरिंग की तरफ से राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से ना राइट से राइट, राइट से राइट, एक ही ब्रांच है, लेफ्ट से दो ब्रांच है, लोएस्ट लोकेट, पहले तो दोनों तरफ से मिल रहा है, ज्यादा की तरफ से मिल रहा है, लेफ्ट से ना, समझ में आया, तो ये हो जाएगा वन और ये हो जाएगा आपका टू, तो नाम क्या लिखेंगे फिर इसका, टू ब्रोमो, समझ में आ रहा है क्या, नंबरिंग के बाद नाम आपका वर्टिकली होता है ना, टू ब्रोमो, देन उसके बाद वन क्लोरो, देन वन क्लोरो और इथेन, समझ गया ना हम कैसे लिखते हैं, उसी तरीके से यदि इसका आएंगे लॉन्गेस्ट से ये हो जाएगा, नंबरिंग की तरफ से लेंगे राइट के लेफ्ट, राइट के लेफ्ट, अरे लेफ्ट कैसे राइट, मेरा भी ऐसे ही बताओ और इसका देख कर, ठीक है, तुम अपना बताओ राइट के लेफ्ट, मेरा छोड़ो, ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा टू, ये हो जाएगा थ्री, थ्री ये दूसरे पे आ रहा है, पहले पे आ रहा है, आप क्या लिखेंगे, टू ब्रोमो, ठीक है, वन क्लोरो और बोलो प्रोपेन, ठीक है, इसका लॉन्गेस्ट चेन कौन सा, ये होगा, होगा क्या, ठीक है, और ये नंबरिंग क्या, वन टू थ्री, यही होगा ना, नाम क्या लिखेंगे, टू ब्रोमो, ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, डेनिस, कितना पे, वन इपॉक्सी है ना, और तीन कार्बन तक क्या मिलेगा, प्रोपेन, कहाँ पे, अच्छा ऊपर, तो इसका क्या करेंगे, ये ऐसे गया, अब बताओ इधर से राइट ले लें, राइट ना, दोनों तरफ तो मिल रहा है, लेकिन ज्यादा किधर मिल रहा है, इधर ये होगा वन, ये होगा टू, क्या लिखेंगे फिर, टू कॉमा टू डाई ब्रोमो होगा, डैश वन कॉमा वन कॉमा वन, ठीक है, डाई क्लोरो और डैश हम साथ में लिखना है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इथेन, ठीक, इसका बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबरिंग की तरफ से वन टू होगा ना, अब नाम क्या हो जाएगा बताओ, टू ब्रोमो होगा, अब उसके बाद डैश टू क्लोरो डैश वन कॉमा वन कॉमा वन डैश ट्राई आयोडो, ठीक है, और उसके बाद क्या लिखेंगे, बोलो इथेन, ठीक है, ये हो जाएगा,
সে বলতে ইনশাআল্লাহ নেমিং অফ ইপক্সি ইপক্সি কাকে বলা হয় না মুখ্য কথা তোমার কাছে আমরা লিখতে হচ্ছে এজ আ প্রিফিক্স ইপক্সি বলা CH2 और ये रहा CH2 ये तो नंबरिंग किधर से करेंगे इस बार
1, 2, or 3, ऐसे ही होगा ना, कैलकुलेटर इसका 1, 2, 3, equals 6, ओके, ठीक है, 1, 2, 3 के आ गया, ठीक है, इसका नाम भी किरण से करेंगे, आई से, किरण से, हाँ, ये तो पहले पे आ रहा है और दूसरे पे आ रहा है, क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? ये टॉक्सिक काम चालू कर रहे पाला दूसरे पे ना, लेकिन ये ब्रोमो पाले में ही है, तो किधर से करेगा भाई? लेफ्ट से, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, नाम क्या लिखेंगे इसका? 1 ब्रोमो, दैट्स 3 कॉमा 4 टॉक्सिक, ठीक है, और 5 का हो गया क्या हो जाएगा? पेंटेन, इसका कैसे जाएगा? ये हो गया क्या? देखो नंबरिंग किधर से, राइट या लेफ्ट? लेफ्ट, क्योंकि यहाँ पे दो ब्रांच मिल रहा है ना, ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 1, 6, नाम क्या लिखेंगे? 3-bromo, ठीक है ना? अरे बोलो, 3-bromo डैश 3,4 डाइमिथाइल, और क्या हो जाएगा? हेक्सेन, थ्री पॉक्सी का नाम है, ऐसे लिखते हैं।
मतलब हुआ यहाँ पे पैरेंट समझ में आ रहा क्लियर होगा। अब देखो अब हम लोग इसका जो नाम होता है ना वो लिखेंगे ठीक है। क्या ये पूरा वाला पार्ट अल्केन का तो है या अल्काइल का है? अल्काइल का है ना क्योंकि ये वाला तो कम्प्लीटली ना है तो किसका पार्ट है अल्काइल का। तो सारा ये जो है वो किसका पार्ट है अल्काइल का। इज दैट क्लियर ठीक है। अब इसका अलग से नेमिंग करेंगे ठीक। बस जो नंबरिंग हम लोग 1 2 3 4 करते हैं 1 2 3 4 को हम लोग कहाँ पे दिए हैं पैरेंट चेन में दिए हैं। तो यहाँ पे बुक्स में या फिर ऑप्शन में तुमको 1 2 करके भी आ सकता है या फिर 1-2 करके भी आ सकता है। बात समझ आया? तो स्टार्टिंग में 1-2 करके आते हैं फिर तो बता देंगे कैसे हम लोग इसको सेपरेट भी करते हैं ठीक है। तो ये अब इसका लॉन्गेस्ट चेन कौन सा हो जाएगा? ये होगा। और कहाँ से करेंगे? ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। नंबरिंग हमेशा वहीं से होगा जिधर से वो अटैच्ड है पैरेंट चेन से। समझ में आ गया? क्लियर है। अब इसका कौन सा होगा लॉन्गेस्ट चेन बताओ? ऐसे ऊपर या राइट? ऊपर जाएंगे ना तो बीच वाला को हम थोड़ी बंद मान सकते हैं। अब क्या बोले कि वन उसको मानना होगा जिससे करंट चेन अटैच ऊपर। यदि हम ये ऊपर जाएंगे तो फिर गलत हो जाएगा। तब तो हमको यहाँ से लेना पड़ेगा नीचे से ठीक है। तो इसीलिए हमको क्या मानना पड़ेगा इसको और ये देंगे 1 और ये देंगे 2। समझ में आया? इसको यदि हम लोग लेंगे तो क्या लेंगे? ये वाला ऐसे जाएगा और ये हो जाएगा 1 2 3। इसका लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये ऐसे चला जाएगा हो जाएगा 1 2 3। इसका लेंगे तो कैसा चला जाएगा? ये ऐसा और ये हम लोग लेंगे 1 और 2। अब पता है इसका नाम क्या लिखेंगे? 1-methyl लिखेंगे क्या? 1-methyl और ये 2 क्या है? इथाइल और इथेन क्योंकि उसका वैलेंसी कंप्लीट नहीं है वो पैरेंट चेन पूरा हुआ है ना। समझ में आया? अब देखो सीखो जरा सा इसका क्या लिखेंगे। 1 and 1 डाई इथाइल और इथाइल यस। इसका नाम क्या लिखेंगे बताओ? 2, 2 डाई मिथाइल और प्रोपाइल। तीन कार्बन है ना सीधा में तो क्या लिखेंगे? प्रोपाइल ठीक। इसका क्या क्या ये बाला शुक्रिया। हाँ इसका क्या लिखेंगे हम लोग? 2-methyl और प्रोपाइल ठीक है। उसी प्रकार से इसका हम लोग क्या लिखेंगे बताओ? 2-bromo 1-chloro और बोलो मिथाइल ये हो जाएगा। तो अब बताओ इसका नाम क्या होगा? इसको और हम क्या लिख सकते हैं? वो ये नाम नंबरिंग करेंगे क्या? 1 ये क्या करेंगे? 2 करेंगे ना। ये इसका हो जाएगा लॉन्गेस्ट चेन और 1 पे क्या आएगा बोलो? ठीक है 1। अच्छा उससे पहले आपको ये भी तो बताना पड़ेगा कि ये पूरा कॉम्प्लेक्स किस पैरेंट चेन को चौथे कार्बन। समझ में आया? अब पैरेंट चेन पे आ जाओ। ये पूरा कॉम्प्लेक्स किस कार्बन एटम पे है? तो लिखेंगे 4 डैश। ऐसे ही वन तरीका। अब जो आपका कॉम्प्लेक्स है उसको डालो ब्रैकेट के अंदर। कॉम्प्लेक्स ऑलवेज देते नहीं तो ब्रैकेट ठीक है। अब बताओ इसका नाम क्या है? क्या लिखेंगे? 1-methyl और ethyl ब्रैकेट क्लोज। समझ में आया? उससे बाद में बताओ कितने कार्बन है? और यदि 1-2 करके तुम देना चाहो तो ये 1 हो जाएगा 1-2 हो जाएगा। अंडरस्टूड ठीक है। लिखो ज्यादा करेक्ट जो होगा वो यही वाला होगा मोस्ट करेक्ट।
तो वो अल्फा पेटिकल ऑर्डर में भी नहीं देते डीएनए वाले से। फिर अब आ जाओ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में यदि ये पूरा कॉम्प्लेक्स दो बार आ जाए उससे पहले हम लोग 20-30 टेट्राकेसिस तरीके से लगाते हैं और उसके अंदर भी दो मिथाइल आ जाए एग्जांपल देके समझाएंगे। तब उसमें जब हम लोग डाई मिथाइल लेंगे ना तो उसका डी काउंट होगा कॉम्प्लेक्स के मतलब काउंट होगा अल्फा पेटिकल ऑर्डर। We use first alphabet of complex in alphabetical order. मतलब हम लोग काउंट करेंगे। एग्जांपल देखो समझ में आ जाएगा। ठीक है ग्राम एक तो ये तुम देखते जिसमें क्या था केवल एक ही कॉम्प्लेक्स था अब हम दिखा रहे हैं दो कॉम्प्लेक्स। ठीक है तो जैसे ये तुम्हारा लिखा हुआ है CH3 दूसरा ये एग्जांपल ठीक है ब्रैकेट के क्लोज भी करना है
और ये रहेगा CH3 और ये रहेगा CH3, यही है ना, ठीक है। इसका नाम आप ऑक्टेट लिखो है, लिखोगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, क्या लिखोगे, 1 मिथाइल, मिथाइल यही लिखोगे ना, यही लिखोगे। और दूसरा वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो तुम्हारा क्या है, दूसरा वाला ये वाला क्या है, ये C, ये रहेगा CH3, ये रहेगा तुम्हारा CH3 और ये रहेगा तुम्हारा, समझ आया। अब इसका कौन कौन क्या लिखोगे, ये होगा 1 और ये होगा 2, क्लियर है। अब नाम क्या लिखोगे तुम, 1.1 इस्तेमाल करेंगे अल्फाबेटिकली, समझ गए ना आप क्या बोलना चाह रहे थे। अब इसका नाम बताओ क्या होगा, पहले किसको लिखेंगे, वो वाला ना, पहले इसको लिखेंगे, तो पहले क्या लिखेंगे, 5 और ब्रैकेट स्टार्ट, क्या लिखेंगे, 1.1, ठीक है, डैश डाई मिथाइल हो गया, और उसके बाद क्या लिखेंगे, मिथाइल ना, और फिर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, इससे काम खत्म। फिर अगला वाला कितने पे है, डैश फोर डैश ब्रैकेट स्टार, बताओ क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल और क्या हो जाएगा, मिथाइल, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, क्या नाम होगा, देखिए समझ आ गया। अब बताओ इसे किस इंसान का नाम बता दो, दूसरा पेपर आने सुनो बिटा देवी,
metabólica. मतलब की का संभावना कम हो।
ठीक है, क्या हो जाएगा वो CH3CN, ठीक है, और ये हो जाएगा CH और ये CH3 और डैश, ठीक। हमने क्या क्या होगा, ये 1 2 और 3, ना क्या लिखेंगे 2 मिथाइल, ठीक है, प्रोपाइल, हाँ सॉरी, ये हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। और साथ ही साथ अब ये तो मिथाइल है, तो अब नाम क्या लिखेंगे बताओ, ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा कि वो, और ये वाला केवल जो है वो क्या लिख पाएगा, मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल। अब पहले किसको लिखेंगे बताओ, पहले किसको लिखेंगे, ब्रैकेट वाला या बिना ब्रैकेट वाला, दोनों का एंड नेम है कॉमन, ब्रैकेट वाला या बिना ब्रैकेट वाला, बिना ब्रैकेट वाला, क्यों पता है क्यों, क्योंकि देखो इसका जो है मिथाइल और इसका भी मिथाइल बराबर है, इसके बाद यहाँ कोई अल्फाबेट नहीं, लेकिन इसका अल्फाबेट है, बात समझ में आया, क्लियर है। तो हम पहले किसको दे रहे हैं, इस वाले, समझ में आया, आगे भी एग्जांपल देंगे, क्लियर होगा। तो इसका नाम फिर हम क्या लिखेंगे बताओ, नाम क्या लिखेंगे उसका, 2 मिथाइल, ठीक है, डैश, कितना पे है, 4 पे है ना कॉम्प्लेक्स, तो 4 डैश कॉम्प्लेक्स चालू, क्या लिखेंगे, 1 डैश मिथाइल, और ये रह जाएगा प्रोपाइल, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज, कितना चेंज है, नोने, ये तो ठीक है। सबसे पहले तो ये वाला पार्ट केवल देखो, ये क्या है, सी पे सी एच थ्री का होल थ्री, यानी कि ये वाला कुछ ऐसा है, यानी इसको थोड़ा एक्सपांड करो, तो क्या है, ये कार्बन पे सी एच थ्री 3 तो है, यही है ना, इसका मतलब 3 है, तो ये भी ये लो सी एच थ्री, ये लो वाला सी एच थ्री, और ये लो सी एच थ्री, समझ आया, ठीक है। अब ये टोटल कितना है, ये तो समझ में आ गया, ये ऐसा, ठीक है, अब ये टोटल कितना है, ये है तुम्हारा 4, तो चारों तरफ से 4 होगा, तो एक साइड ये दिए, दूसरा साइड इसी तरह, तो ऊपर में इसी तरह, तो नीचे नीचे भी इसी तरह, तो बीच में एक और काम, तो इसका मतलब क्या, ये सब तरह खुल करके, और ये ऐसा हुआ क्या, देखो तो ये पार्ट गया, ये वाला पार्ट ऊपर, और ये पाले से जो यहाँ पे है, बोलो जी, फिर एक नीचे में भी आ जाएगा, और ये तुमको थोड़ा सा भी याद है, इसका हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म और ऑनलाइन नोटेशन पढ़ चुके हैं, है ना, और पता है इसका नेमिंग कैसे लिखेंगे, चारों तरफ से सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, कहीं इससे भी ले लो, तो बात एक ही है, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया। अब देखो तुम्हारा नंबरिंग किधर से भी करो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सिमेट्रिकल है, बस ये हो जाएगा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, तीसरे पे देखो कॉम्प्लेक्स आया है, तो इसका नंबरिंग अब अलग से 1 और 2 ये आ जाएगा, ठीक है, और ये दूसरे पे 2 मिथाइल, चौथे पे 2 मिथाइल, तो अब बताओ कौन सा पहले लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये वाला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डाइमिथाइल ना, देखो कॉम्प्लेक्स में हम लोग क्या लिखेंगे,
अभी तो आएगा नहीं, उसका टाइम लेंगे ना। लेकिन कॉम्प्लेक्स के अंदर अभी जो भी खाई जा रहा है उसका लिखेंगे डाइमोथाइल और उसका डी लेंगे। तो पहले किसको लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स या बाहर वाला? कॉम्प्लेक्स, उसका डी ही है। ठीक है, और फिर नाम क्या होगा इसका, क्या लिखेंगे बताओ? क्या लिखेंगे, ये कितने कार्बन पे आ रहा है, 3.3.3 और ये 20 होगा क्या? ब्रैकेट स्टार्ट, क्या लिखेंगे बोलो? 1.1। ठीक है, डेप्थ डाइमिथाइल। ठीक है, और इथाइल ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद बताओ डैश 2.2.4.4 डैश टेट्रामिथाइल। ठीक है, और 5 कार्बन का डिस्पेंट नहीं। ये देखो इसका तुम्हारा आ रहा है डी और इसका आ रहा है एम, तो इसीलिए पहले लिए हैं डी को बाद में लिए हैं। ठीक है, उतना उतना ही थ्योरी से हम पूरा ऑर्गेनिक इलेवेंट ट्वेल्थ हम लोग का हो रहा है।
उससे काम कुछ नहीं आएगा। और मैक्स टू मैक्स मान के रखो 90% से अबव तुम्हारा काम उससे रहेगा, इसकी गारंटी। तो अब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम अपने नोटों से कितना अच्छा कमांड कर। बात समझ आया? एक एक क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीज याद होना चाहिए, एकदम समझ के याद करना है, झटका मारना है बिना दिमाग लगाए नहीं, समझ कर करना, समझ करके याद करना है एक एक चीज कैसे हो रहा क्या हो रहा। क्योंकि यहाँ यही कॉन्सेप्ट तो अप्लाई होगा, दूसरे चीज जब बनाओगे तब ना कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा, याद नहीं रहेगा तो कहाँ से दूसरा बुक बनाओगे। सबसे पहले तुम अपना प्रिपेयर करो नोटबुक, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का, केवल अपना नहीं करेगा, किसी भी तीनों पे ध्यान रखो बराबर। ऐसा नहीं कि बायो अच्छा लग रहा है तो बायो आज 4 घंटा पढ़ो, केमिस्ट्री और फिजिक्स तो छोड़ दिए, कोई भी एक सब्जेक्ट के कारण रिजल्ट नहीं होता और कोई भी एक सब्जेक्ट के बिना भी रिजल्ट नहीं होता, ये भी बात ध्यान रखना, ठीक है? ये चीज जाना चाहिए इनऑर्गेनिक तुम्हारा कंप्लीट जो है उसमें भी और मैथ्स टू मैथ्स तुमको 90% जो है कंप्लीटली लॉजिक के साथ तुमको समझा दिया जाए इसका ऐसा क्यों हो रहा। समझा देंगे, याद करना हमारी जिम्मेदारी। और एक एक्सेप्शन का नोटबुक बना लो, डायरी बना लो, लेक्चर का वीडियो लेक्चर सब यहाँ बोले उसमें केवल एक्सेप्शन को नोट करो, क्योंकि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शन है और फिजिकल कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड होता है। कितने लोगों को मैथ्स पसंद है, अच्छा लगता है बनाना? बहुत कम हो गए, ठीक है कोई बात नहीं, तुमको परेशान उसके लिए परेशान नहीं, कम से कम फॉर्मूला याद कर सकते हो बस, बाकी हमें सुनो फॉर्मूला याद करोगे ना उसके बाद। और नीट में याद रखना कंप्लीट फिजिकल फॉर्मूला बेस्ड होता है कंप्लीट, और फिर वही कहेंगे तुम्हारे नोटबुक से ही आए। हाँ अब ये नहीं कहेंगे कि डेटा भी सेव रहेगा, समझ में आया? ये नहीं होगा। हाँ लेकिन वही चीज रहेगा, समझ में आया? वही चीज रहेगा। इस बार केमिस्ट्री में कितना गया है सब लोग का? 166 180 out of 180 166 से केमिस्ट्री, ठीक है? उसमें एक गलत उसका, दो गलत हुआ और एक छोड़ा, तीन क्वेश्चन छोड़ दे बाकी सब उसका करेक्ट। समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं भाई? बस तुमको क्या फोकस करना है अपने नोटबुक पे और आपको जो दिया जाएगा मटेरियल उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, कोई ऐसा बुक नहीं लेना है और कोई भी बुक लेने से पहले पूछो कि सर ये ले ये मेरे काम में रह जाएगा या नहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे बुक हैं जिसका ऊपर वाला कवर दिखने में बहुत अच्छा लगता है और कई लोग वही कवर देख कर खरीद लेते हैं, कवर अच्छा है तो अंदर भी अच्छा होगा होता, लेकिन नीट के लिए कितना जरूरत है ये जरूरी। बात समझ में आया? क्लियर हुआ? हाँ तो उतना ही खाओ जितना जरूरत है अपने जरूरत के हिसाब से, क्लियर है? ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक? तो आज कुछ इतना ही करते हैं, कल रिवीजन करते आना, हो सके टाइम को पर्सनल ग्रुप के बारे में पढ़ें, मतलब पूछें और बोलिए, ठीक है? और दूसरे को जाओ उस क्लास में फिर, लेकिन आप लोग क्या आते हैं? पता है ना? मुझे तो होता नहीं, आप हर एक एक कॉन्सेप्ट खत्म हुआ वर्ड में लिखे कुछ बनाने के लिए फिर हम जाएंगे, ठीक है? अब उस समय में पूछेंगे और जो उधर सुन रहे हैं वो तैयार हो करके कल आए या पे आते फिर पूछेंगे। चलो फिर करते हैं। मैं किसका किसका आंसर बनाओ आगे डाउट से तो मैं पूछ लेना आगे, या तो ठीक है यदि जो डाउटफुल है आपसे पूछ लेना बता देंगे। चलो ठीक है उधर पूछ लेते हैं, मैं इंडिया है ना तो बोलने का माइंड खराब था।